कोई शिकायत सुनता ही नहीं है तो शिकायत क्या करेंगे। पूरा गड़े पड़े में गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। लोग ये गाड़ियों में परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ जाती हैं वो ऊपर जंप खाते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं बेचारे जंप खाते हैं, उनके दर्द हो जाते हैं। हादसा बहुत हुआ है लोगों की यहाँ पर, गटर में जाने से नाक फटी है, एक्सीडेंट रात को अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं, लोग गिरे हैं, बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग लोग। गटरों का पानी भरा रहता, खड्डे इतने हुए, गाड़ियाँ चल रही, अब देखो एक बस आ रही है, आप देखना किस तरीके से बिछ जाएंगे। जी कैसे पार करोगे? साइड से जाऊंगा। ये क्या है? ये कोई गंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो गार्डन का इलाका है और यहाँ पर पंजाब टाउन और उसकी बख्शी स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं, और जिस तरह से हमने पहली वीडियोस में कराची के इश्यूज़ पर बहुत सारी इश्यूज़ हमने दिखाए हैं आपको, और आज भी जो है सेवरेज का इशू लेकर हाजिर हुए हैं। आज यहाँ पर हम दिखाएंगे इस गली में जो सेवरेज का जो इशू है इंतहाई ज़्यादा गंभीर हो गया है। काफ़ी अरसे से जो है ये गली जो है यहाँ के जो मकीन हैं और उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि उन्होंने यहाँ से अब इस तरफ से जो है गुजरना छोड़ दिया गया। ये गली जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये वो सड़क जो है बिल्कुल गार्डन और सोल्जर बाज़ार के दरमियान चलती है। अगर जो है सीधे हाथ की तरफ जाएं तो सोल्जर बाज़ार, और उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो फिर जू कराची का चिड़ियाघर जो है उसकी तरफ ये सड़क जाती है। तो यहाँ के जो मकीन हैं वो इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर कई दफ़ा वो जो इदारे हैं बल्दियाती इदारे हैं उनको शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत जो है दूर करने नहीं आता, बल्कि ये मुसलसल इसमें इजाफा ही हो रहा है। और यही वजह है कि अब जो है यहाँ पर पानी जो इस तरफ जो साफ इस तरफ दिखाएं थोड़ी जो गली है ये साफ़ सुथरी है, टफ टाइल जो है इसमें लगाई गई हैं, और लेकिन टफ टाइल को बचाने के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये दिखाएं, ये बंद बांधा गया है मिट्टी का, ये मिट्टी का बंद है, ताकि ये जो सेवरेज का पानी है वो गटरों का उबलता हुआ ये इस तरफ जो है टफ टाइल्स पर ना आ पाए। लेकिन ये जो जगह है एक मखसूस हिस्सा है जहाँ पर ये सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, यहाँ से पैदल गुजर जो सफ़र करते हैं उनके लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है, और गाड़ियाँ तो गुजरना नामुमकिन दिखाई देता है। और जैसा से हमने बताया कि यहाँ के मकीन अब यहाँ से गुजरना उन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजारना छोड़ दी हैं, वो उस तरफ से कि बैक साइड से यहाँ से गुजर के दूसरी तरफ जो है सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ के जो मकीन हैं उनसे हम बात करते हैं। जी कैसे पार करोगे? साइड से जाऊँगा। ये क्या है? ये कोई गंदगी है। रोड पार आराम से कर लेंगे या मुश्किल होगी? आप मुश्किल होगी। क्यों? बीच में गंदगी है। ये किस चीज़ का पानी है? ये नाले का पानी है। नाले का पानी है। ये जो बख्शी स्ट्रीट है इसके हम दूसरी साइड पर मौजूद हैं, और सड़क पर जो सोल्जर बाज़ार से गार्डन की तरफ जाती है वो ये सड़क है, और इससे फिर ये अंदर की तरफ यूँ इस तरफ अंदर की तरफ दिखाएं ज़रा, ये रोड से अंदर की तरफ जो है ये स्ट्रीट मौजूद है, और अभी देखा जा सकता है ख़वातीन यहाँ से इस सेवरेज के पानी के पास से गुजर के आ रही हैं बिल्कुल दीवार के साथ साथ। बीच में से बिल्कुल ये है उधर तो गाड़ी गुजर सकती है जिस तरह से पहले ही बताया, और ना ही कोई जो है पैदल गुजरने वाले ख्वातीन हो या आदमी हो, बीच में से कोई नहीं। साइड से जो है मुश्किलात के बाद ये जो है गुजर कर यहाँ इस सड़क तक पहुँचेंगी। इसके अलावा ये सिर्फ़ एक गली नहीं है, इसकी दूसरी गली भी जो है उसका वो भी बड़ी टूट फूट का शिकार है, उसको भी आपको हम दिखाएँगे।
अब जो है गार्डन की दूसरी सड़क, जिस तरह से हमने वहाँ बताया था, ये सड़क है, ये पूरी जो है इसमें गड़े पड़ गए हैं पानी खड़ा होने की वजह से मुसलसल। लेकिन पहले हम थोड़ा सा, बाबा ये गुजर के यार यहीं रहते हैं आप? जी जी। कैसी ये सड़क ये? अरे बहुत ख़राब है सर, यहाँ से बहुत परेशानी है, गटरों का पानी भरा रहता, खड्डे इतने हुए, गाड़ियाँ चल रही, अब देखो एक बस आ रही है, आप देखना किस तरीके से जाएंगे ये। तो ये कब से टूटी हुई है ये बताएंगे थोड़ा? ये सर एक साल से ऊपर हो गया सर, कोई तवज्जो ही नहीं है इसके ऊपर, कोई तो कोई आता ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है घर पर। ये कौन सा इलाका है मुझे बताएंगे आप? नंबर एक, ये पंजाब टाउन तो नहीं है ये? नहीं नहीं, पंजाब टाउन नहीं है, ये थाने के पीछे वाली बैक साइड है, ये थाने के पीछे वाली साइड है। ये तो पंजाब टाउन है ना इस तरफ? हाँ, इस तरफ पंजाब टाउन है। अच्छा, ये कितने अरसे बारिशों से पहले से ही टूटा हुआ है ये? बारिश से पहले से ही टूटा हुआ, खड्डे पड़े हुए, लोग बसों यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों का रास्ता है, 19D गाड़ी जाती है, 20 नंबर जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाँ गुजर रही है काफ़ी, ये वैगन भी जाती है, और गाड़ियों वाला रोड बंद है तो सारा ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है बड़ा वाला। अच्छा सर, बारिशों में क्या हाल था यहाँ? अरे बहुत, जब निकलने की जगह नहीं थी, पानी इतना था कि पूछो नहीं। और अभी अभी तो चलो खड्डों में से खुश्क हो गए थोड़े। इतने खड्डे देखो, आप देख रहे हो आगे भी ऐसे ही खड्डे, आगे से आगे भी जाओ आप खड्डे ही खड्डे नज़र आएंगे आप। तो पूरा रोड मेन रोड तक जो ना ख़राब है, पूरा मेन रोड तक, आगे नाला आएगा, नाले के बाद पूरा गड़े पड़े हुए गाड़ी। क्या कहोगे अब मेयर कराची है और दूसरे इदारे भी हैं उनसे? बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर काम कोई भी नहीं करते। क्या दावे किए थे उन्होंने? वो यही कह रहे हैं ना, अभी भी यही कह रहे हैं, टीवी पे आते तो बोलते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया, हमने ये सड़क बनाई है, आप देख लो लालू खेत वाला रोड, नाजाबाद वाला रोड, नुमाइश वाला रोड, पूरा गड़े पड़े में गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है, लोग बेचारे धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, अंधे हो रहे हैं, क्या करें। ठीक है, आप लोग भी ये रहते हो बेटा? सलाम से टूटा भाई ये, इसको तो 3-4 महीने होने वाले हैं, और ये हमारी बिल्डिंग ही है बराबर में, यहाँ पर बसें इतनी तेज़ जाती हैं, पीछे का रोड खुल भी गया फिर भी बसें वाले इतनी तेज़ जाते हैं, और हुकूमत इसी रोडों पे ध्यान दे, खड्डों में से तेज़ जाती है, खड्डों में से भी तेज़ जाते हैं, और यहाँ पर रिक्शे फंसे हैं, यहाँ गटर का ढक्कन अभी लगाया है, वरना इससे पहले बाइकों वाले रात को अंधेरों में फंसे हैं, ना यहाँ पर कोई लाइट्स हैं, और इधर बाइकों वालों भी गटर में गए हैं, और ये खड्डों में रिक्शे वाले फंसे हैं, फैमिलियां गिरते गिरते बची हैं, कुछ फैमिलियां गिरी भी हैं, और बस वाले फिर भी नहीं, एक ओवरटेक कर रहे हैं, ये छोटे से रोड आप दिखाएं इस पर भी बस वाला ओवरटेक कर रहा है एक दूसरे को, और कहना ये चाहूँगा कि हुकूमत सिर्फ उन रोडों पर ध्यान दे रही है जिन रोडों पर उनका आना जाना लगा हुआ है, इन रोडों पर एक दफ़ा आके देखो ज़रा, गाड़ी में बैठा हुआ बंदा भी खड्डों से तंग हो जाएगा हिल हिल के। अच्छा, ये जो अभी जो पानी खड़ा हुआ है इसमें, ये खड्डों में, ये किस चीज़ का पानी है? ये सेवरेज का? बारिश हो गई पानी खड़ा, ये सेवरेज तो नहीं है? सेवरेज नहीं है, ये बारिश होगा, वो पुराना पानी, बारिश खत्म हुए हुए अभी 10 दिन होने वाले हैं, पर पानी अभी तक नहीं हटा, पानी नहीं मतलब कोई पानी से ऐसा खड्डा कम लग रहा है, पर ये पानी हटेगा तो आप देखना फिर ये खड्डा कितना गहरा है, यहाँ पर जब बस जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बस भी कल्टी हो सकती है। बिल्कुल, कोई हादसा हुआ तो नहीं इधर? हादसा बहुत हुआ है लोगों की, यहाँ पर गटर में जाने से नाक फटी है, एक्सीडेंट रात को अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं, लोग गिरे हैं, बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ से आए, एक तो ये है कि पीछे मस्जिद है, यहाँ से लोगों का नमाज का आना जाना है, जुम्मे के वक्त कपड़े गंदे, ये वो पानी खड़ा रहता है इधर। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आप? हुकूमत से मुतालबा ये करेंगे कि अगर रोड का नहीं तो आप मस्जिद का ही ख्याल कर लो, कि लोग आते जाते हैं, नमाजी लोग आते जाते हैं यहाँ पर, आगे भी खड्डे हैं, आगे भी मस्जिद है, पीछे भी मस्जिद है, बस नमाजियों को देखकर ये रोड का कुछ हल निकाल लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। ये जो है सड़क थोड़ी सी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर खड्डे दिखाएँ ज़रा इसके, ये कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं इस सड़क में पड़े हुए हैं, और यहाँ से जो है न सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी गुजरती है, रक्शे यहाँ से गुजरते हैं, मोटरसाइकिल सवार हजरात बड़ी तादाद में यहाँ से गुजरते हैं, और यहाँ के मकीन जो है अभी भी जो है जो यहाँ के मकीन हैं उनके मुताबिक ये जो पानी खड़ा हुआ है खड्डों में ये बारिश का पानी है, इसकी निकासी नहीं हो सकी है, और ये पानी खड़ा रहने की वजह से इन खड्डे जो है मुसलसल बढ़ रहे हैं कम होने के बजाय। अच्छा बाबा, बात सुने, आप भी यहीं रहते हैं? हैं आप यहीं रहते हैं? जी जी। अच्छा, ये इसके बारे में क्या कहोगे, ये कौन सही, आप लोगों ने शिकायत नहीं की कहीं सही करने के लिए? कोई शिकायत सुनता ही नहीं है तो शिकायत क्या करेंगे। अच्छा, किससे की थी आपने मुझे बताएं? इस तरह आ गया नीचे आ जाए मेरा मकसद, पहले हम लोग कर चुके हैं शिकायत, कोई सुनता नहीं है इसलिए। अच्छा, मुश्किल क्या हो रही है आप लोगों को इसकी वजह? आने जाने में परेशानी हो रही है, गाड़ियों में परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ जाती हैं वो ऊपर जम खाते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं बेचारे जम खाते हैं,
उनके दर्द हो जाते हैं। दर्द हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो फिर किसके आप किसको कहोगे, किससे शिकायत करोगे, आपकी बात जाएगी उस तक, किसको शिकायत करोगे आप? वज़ीर आला सिंध से करोगे, मेयर कराची से करोगे, किससे करोगे? वज़ीर आला सिंध से ही करेंगे, और किससे करेंगे बोलें फिर उसको। वज़ीर आला सिंध साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ के जो खड्डे वगैरह जो हो रहे हैं, इसकी सड़क बनवाएँ और ये मैन होल वगैरह सही करवाएँ इधर के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जो है यहाँ के मकीन जो है हमारे साथ मौजूद थे, थोड़ा सा इसका हाल दिखाया। इंतहाई ज़्यादा वो है, इसको यहाँ पर गाड़ियों गुजरना मुश्किल हो गया है। पिछली गली भी दिखाई हमने पंजाब टाउन की, ये सोल्जर बाज़ार और पंजाब टाउन के दरमियानी गली है, और यहाँ से काफ़ी जो है लोगों का, शहरियों का गुज़रना होता है। बड़ी गाड़ियाँ भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह से हम पहले ही बताया कि वो भी गुज़रती हैं, और फिर हादसात भी हो रहे हैं, और शहरी जो है इंतहाई ज़्यादा कर्ब और मुश्किल में जो है मुब्तला है। और उन्होंने तमाम जो हुकूमती इदारे हैं, सिंध हुकूमत हो या बलदियाती इदारों हों, सबसे उम्मीद यही मुतालबा यही कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं बारिशों के बाद जो सूरत हाल हुई है सड़कों की, इसको जो है फौरी तौर पर ठीक करें, ताकि शहरी जो है आसानी से सफ़र कर सकें और हादसात से जो है वो बच सकें। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।